हे गाइस, सो अगर आप भी मेरी तरह एक व्लॉगर हैं और देख रहे हैं अपने लिए एक सस्ता और टिकाऊ सा ट्राइपॉड, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाले हैं अपने इस छोटे से डिजिटेक लाइट वेटेड ट्राइपॉड को। और इसका मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ये है DTR260GT। तो आज हम इसको करेंगे अनबॉक्स और जानेंगे कुछ इसके फीचर्स के बारे में और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और देखेंगे कि कितना ये जो है हैंडी रहता है हमें इसको फ़ोन पे या अपने कैमरा वगैरह पे अगर यूज़ करते हैं तो हम कितना आसानी से इसको यूज़ कर पाते हैं। रही बात बजट की, तो बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली को पड़ेगा, सिर्फ 399 का पड़ा है। और इसको इस बॉक्स में जो इतने प्राइस में जो इंक्लूड कर रखा है इन्होंने, तो इतना सब कुछ इतने कम प्राइस में दे दिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं अपना चैनल द कंक्रीट है। चलिए शो को शुरू करते हैं। इसको ऐसे आप पेड़ पे भी लटका सकते हो, कहीं पे भी लटक जाएगा, गर्दन पे भी लटका सकते हो, नहीं गर्दन पे नहीं लटका सकते हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं अनबॉक्स, इसमें देखते हैं क्या क्या जो है इन्होंने इंक्लूड किया है। तो पहला हो गया हमारा गोरिल्ला ट्राइपॉड, दूसरा निकला है हमारा ये फोन होल्डर, इसमें आपको दो माउंट मिल जाएंगे, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। और इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, ये कोल्ड माउंट दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना कोई भी स्पीकर वगैरह लगा सकते हैं। ये हमारा है ब्लूटूथ का रिमोट, ये आप एंड्रॉयड और जो है iOS दोनों इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ बटन दिए हुए हैं। तो इसके जो पीछे पार्ट में यहाँ पे आप आओगे तो ये आप यहाँ पे कीचेन वगैरह लगा सकते हैं, और प्लस यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रेस किया तो इसके अंदर कुछ ऐसी टाइप की बैटरी आपको मिलेगी। ये प्लास्टिक के बने हुए हैं इसके लेंग्स, ठीक है। इसका वेट कुछ 1 kg के जितना है, और इसका ये जो है जितना हाइट में जा सकता है वो है, अनफोल्डेड में आ जाती है हमारी 260 mm, और अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच कर दोगे इसके लेग्स तो इसमें जो है सबसे जो हाईएस्ट जाती है वो होती है 240 mm, ठीक है। और इसमें 10 sections है, 1, 2, 3, 9, 10 sections आपको मिल जाएंगे। बड़े आसानी से जो है ये ऐसे करके हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बार हम जब ट्रैवल करते हैं तो ना ही कोई हमें पकड़ने वाला होता है हमारे ट्राईपॉड वगैरह को, और ना ही कुछ हम ऐसी चीज़ देख पाते हैं जहाँ पे हम अपने आराम से अपना ट्राईपॉड को स्टैंड कर पाएंगे, राइट। और ऐसी चीज़ें ज़रूर दिखती हैं, जैसे एक खम्बा दिख जाएगा या कोई हमें जो है पेड़ दिख जाएगा, तो ऐसी जगहों पर ये ट्राईपॉड बहुत आराम से जो है ऐसे फिट हो जाएगा और हम उसके आगे अपना वीडियो ले सकते हैं या अपने को शूट में। आपको ये जो नेक मिलेगा इसका, ये भी आप रोटेट कर सकते हैं कैसे भी, इस तरीके से आप रोटेट, मगर मैन्युअली करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये नीचे वाला भी आप, इसको भी आप बेंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला भी, ये जो सेकंड वाला है, इसको भी आप ऐसे करके रोटेशन रोटेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं अपने फ़ोन को इस रिमोट से कनेक्ट करके, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऑन कर लेना होगा अपने रिमोट को, हमारा रिमोट ऑन हो गया है। इसके बाद हमें अपने इस फ़ोन के ब्लूटूथ पे उसको हम ऑन करेंगे। सो जो इस रिमोट का नाम है वो आपको मिलेगा AB शटर में, सो AB शटर के संग हमें पेयर करना है, और अब ये पेयरिंग हो गई है, ठीक है। सो अभी हम खींच लेते हैं अपनी एक फ़ोटो और एक वीडियो भी बना लेते हैं, कैमरे को स्टार्ट कर देंगे। हमें बस सिंपल सा अपना एंड्रॉयड वाला, ये जो हमारा एंड्रॉयड है और ये एक iOS है, हमें एंड्रॉयड वाले पे ऐसे क्लिक कर देना है और हमारी फ़ोटो जो है खिंच जानी चाहिए। सो ये हमारी फ़ोटो खिंच रही है, ठीक है। और इसमें अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आपको वीडियो में भी यही बटन हेल्प करेगा, ऐसे स्टार्ट करेंगे और हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसको फिर से दबाएंगे तो हमारा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, और इस ब्लूटूथ से सिर्फ हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अपना वीडियो चला या बंद कर सकते हैं। इसका कोई रोटेशन, जो हमारा ट्राईपॉड है इसका कोई रोटेशन नहीं होगा, इसको हमें मैन्युअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा। बस इसका जो होल्डर है ना गाइस, वो अभी बहुत ज़्यादा कसा है, तो कभी कभी आपके जो खाल फंसने का डर हो सकता है, तो आप इसको बहुत सिंपल सा हैंडल करिएगा। या अगर आप मेरी बात माने तो अगर आपके पास आपके घर पे जो है कोई दूसरा अगर होल्डर है, जैसे मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, इसके फ़ोन होल्डर है, उसकी थोड़ी सी लो लगी मुझे एज़ कम्पेयर टू दिस, ये थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबल लग रही है। फोन थोड़ा सा इसका रिजिड है, ये थोड़ी सी खामी लगी, बाकी इट्स वेरी गुड।
सो अभी गाइज हम देख लेते हैं कितने आराम से हम इससे फ़ोन व्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। जैसे अभी देख लीजिए, आपने देखा फोन व्लॉगिंग तो बहुत ही ज्यादा आराम से हो रही है, ठीक है, हमें कोई भी असुविधा नहीं है, हम जिस डायरेक्शन में इसको सेट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में हो रहा है। अब हम सेम चीज देख लेते हैं कैमरा के साथ क्या होता है। सो अभी हम इसको हटा के अपना कैमरा माउंट करते हैं, इस पे अपना कैमरा इसके ऊपर माउंट कर लेते हैं। ये जो आपको ट्राइपॉड मिला है, इसको इसका जो ये पैन है इसको भी आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको थोड़ा सा ये प्रेस करने को मिलेगा, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे उसको आप इसकी यहाँ पे लिड आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। सो ये हम इसको वापस ऐसे कर सकते हैं। ये इस वजह से बना है क्योंकि आप कई बार ऐसी चीज होती है जब हम इसको, जैसे कैमरा हुआ तो हमें इसको लगाना पड़ता है, हम जितना देर तो कैसे से घुमा दें तब तक हमारे हाथ दर्द करने लगते हैं। तो इट्स बेटर कि हम ये निकाल लें और हम अपने कैमरे को यहाँ पे माउंट कर दें, ठीक है। सो ये हो जाता है ईजी, ठीक है। एक बार लग जाएगा ये, फिर आप इसको वापस से इसके अंदर डाल सकते हैं। ये हमारा चला गया, ठीक है। सो अब आती है हमारी कैमरा व्लॉगिंग की बात। सो हमारा जब कैमरे व्लॉगिंग की बात आती है तो थोड़ा सा हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा सा महंगा है और प्लस ये थोड़ा सा इतना सस्ता है तो हम इस पर पूरा रिलायबल नहीं हो सकते। हाँ, बात है अगर ऐसे सीधे व्लॉगिंग करने की तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे, मगर अगर आप जब बेंड वेंड करने की बारी आएंगी थोड़ा सा रिस्क जो है बढ़ जाता है। कभी कभी ये अचानक से ऐसे टिल्ट हो जाता है, ठीक है, तो आपको एकदम से थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। बस ये मुझे एक दूसरी इसमें खामी लगी कि हाँ, इसमें कैमरा थोड़ा सा जो है आपका सेफ नहीं है। तो ये देखिए, अपने आप थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर पसंद आई हो वीडियो तो जरूर से इस वीडियो को दीजिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर।